दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप CS6 के बारे में, जहां पे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सीखेंगे, वो भी एज अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की तरह। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोटोशॉप CS6 ओपन है। यहां पे हम फ़ोटो लेंगे जिस फ़ोटो पे हमें वर्क करना है। तो आप फ़ोटो तीन तरीके से ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका फ़ाइल ओपन हो जाएगा। आप जहां भी फ़ोटो रखे हैं आप इसको यहां पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फ़ोटो कुछ रखी है जहां पे हम उस फ़ोटो पे वर्क करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो है और इसको हम यहां से ओपन कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ आपको फ़ोटो लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जहाँ भी फ़ोटो रखे हैं वहाँ पर जाइए। मैं डेस्कटॉप में फ़ोटो रखा हूँ अपना, और आप इस पर आइए एंड यहाँ पे आप जहाँ पे आपका ओपन है फ़ोटोशॉप, आप वहाँ पे लाके इसको छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था और हम इसको कट कर दे रहे हैं। तीसरा तरीका आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एडोब फोटोशॉप CS6 में फ़ोटो ले सकते हैं। तो इसको हम कट कर दे रहे हैं एंड बताते हैं तीसरा तरीका आप कैसे ले सकते हैं। आप फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद आपका ओपन का ऑप्शन आता है। आप अगर कंट्रोल ओ दबाएंगे फिर भी आपका ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं एंड अपने हम डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने फ़ोटो रखा है, जिस फ़ोटो पे हमें वर्क करना है। तो ये मेरी फ़ोटो है एंड यहाँ से हम ओपन कर लेंगे फ़ोटो को। तो कोई भी आप जब फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं तो सबसे पहला वर्क होता है आपका कि इसको क्रॉप कैसे करते हैं आप। तो सबसे पहले आप इसको क्रॉप कर दीजिए एंड यहाँ पे आप टूल्स बार में आइए एंड यहाँ क्रॉप पे क्लिक कीजिए। एंड क्रॉप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस तरीके का आपको क्रॉप करना है, जैसे करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप एक कोशिश करिए इसका जो शोल्डर है उसके बगल स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी शोल्डर के आप लीजिए कि उसका बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए शोल्डर के पास से। एंड इसको थोड़ा हम इसके टाई तक, यहाँ तक हम इसको रखते हैं। एंड यहाँ जो चेक का निशान है आप इसको क्लिक कर दें या आप इंटर कर दें तो आपको वो सिलेक्शन बन जाएगा। तो ये मैंने एक क्रॉप कर लिया है फ़ोटो को। एंड इसका जो बैकग्राउंड है ये लॉक है, इसको हम अनलॉक कर देंगे। अनलॉक कर दिया एंड इसको कंट्रोल जे से हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे। एंड यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे। फाइल के ऑप्शन में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड हमें जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का वो होती है 3.5 सेंटीमीटर। ये हम इसका विड्थ रखते हैं 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इसको रखते हैं हम 4.5 सेंटीमीटर। एंड रेजोल्यूशन इसका रखते हैं हम 300। एंड जो कलर होता है वो RGB होता है। RGB मीन्स होता है रेड ग्रीन ब्लू। वो भी कोई भी फ़ोटो या आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं या भी फिल्म देख रहे हैं तो वो तीन ही कलर होता है हमारा RGB। तो हम यहाँ पे RGB ही सिलेक्ट रहेंगे। एंड बैकग्राउंड कलर कंटेंट आप वाइट ही रखिए एंड इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा। ये सिलेक्शन है, कंट्रोल डी से आप डिसलेक्ट कर सकते हैं इसको। एंड इस पर जाएंगे आप रेक्टेंगुलर टूल पर, तो यहाँ से ये डिसलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, आप इस फ़ोटो पे आइए एंड मूव टूल लीजिए। आप मूव टूल लेने के बाद आप इस फ़ोटो को यहाँ पे आप मूव कर दीजिए एंड इसको आप सेंटर में लाइए एंड कंट्रोल टी प्रेस करिए। कंट्रोल टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, जो फ़ोटो को है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आप शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करिए एक साथ एंड अपने कर्सर को यहाँ से आप आगे बढ़ाएंगे। अब आपको शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जिसकी जो हाइट और विड्थ है एक साथ आगे बढ़ेगी, यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि उसके हाइट विड्थ में कभी हाइट बढ़ जाएगी कभी विड्थ बढ़ जाएगा। तो अगर आप शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे तो हाइट विड्थ एक साथ बढ़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं एंड इस पर फिट कर देंगे पूरी तरीके से। हम ये फिट हो गया है एंड जहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इस न्यू फाइल में आप इसको फिट कर दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए एंड इंटर प्रेस करने के बाद आप फिर रेक्टेंगुलर टूल में जाइए एंड इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट होने के बाद आप कर्सर पे
अपना राइट क्लिक करिए माउस का, या भी लैपटॉप आपके हैं तब भी आप लेफ्ट राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, स्ट्रोक पे आप क्लिक करिए। आप यहाँ पे विड्थ 5 या 6 ले सकते हैं, कलर आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा, वैसे आप ब्लैक लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट करिए। अब आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ एक बॉर्डर बन चुका है, एंड आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये बॉर्डर बन गया है। अब आपको जब हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनेगी तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। अब हम इमेज पे जाते हैं, इमेज पे जाके यहाँ पे हम कैनवास साइज़ पे क्लिक करेंगे। कैनवास साइज़ पे अब यहाँ पे हम इसको परसेंट दे देंगे, एंड 105 है, 100 है, इसको 105 कर देंगे हम हाइट एंड विड्थ को। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाइट है, वो एक्सपेंड हो जाएगा, हमारा 100 से 105 एक्सपेंड हो जाएगा। एंड यहाँ से हम ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके साइड में 5 पिक्सल का एक जो बैकग्राउंड था वो एक्सपेंड हो चुका है, फ़ोटो एक्सपेंड नहीं हुई, सिर्फ बैकग्राउंड कलर एक्सपेंड हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट है। जैसे आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेरी बनके तैयार है। अब जो मेरा सेकेंड स्टेप होता है वो होता है इसको प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करते हैं हम A4 साइज़ पेपर पे। तो यहाँ पे हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल के ऑप्शन से हम A4 साइज़ पेपर लेंगे। न्यू पे हमने क्लिक किया, एंड इसके जो साइज़ होती है ये मिलीमीटर में होती है, एंड इसका जो विड्थ हम रखते हैं इसका 210, एंड विड्थ एंड हाइट रखते हैं 297, और रेजोल्यूशन 300, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा A4 साइज़ पेपर ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ़ोटो है इसको हम मूव करेंगे A4 साइज़ पे। तो A4 साइज़ पेपर में हम इसको मूव कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फ़ोटो को कोई रिसाइज नहीं करना है, एज इट रखना है, क्योंकि ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है ये 3.5 की इसकी विड्थ है, एंड हाइट इसकी 4.5 है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का। तो अब हम यहाँ पे इसको साइड में लेफ्ट से शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्पेस, एंड अब इसको आप कंट्रोल जे कर दीजिए, यहाँ इसको कंट्रोल जे करिए, एंड यहाँ से आप इसको मूव कर दीजिए यहाँ पे, एंड फिर आप कंट्रोल जे कर दीजिए, एंड फिर यहाँ से आप मूव कर सकते हैं इसको। ये तो एक तरीका हुआ मूव करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप आल्ट प्रेस करिए, एंड यहाँ से इसको मूव कर दीजिए। आल्ट भी कॉपी कर देता है, आप आल्ट दबाइए एंड यहाँ से इसको मूव कर दीजिए आप। अब ये जो आपकी कॉपी बनी है, 1, 2, 3, 4 चार कॉपी बनी है, 5 कॉपी बनी है, एंड आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंड चारों को, पांचों को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल ई करेंगे तो सारी फ़ोटो मर्ज हो जाएगी। फिर आप इसको कंट्रोल जे करिए, एंड अब आप यहां से पांचों फ़ोटो एक साथ आप ले सकते हैं। फिर आप इसको आल्ट दबाइए, एंड यहां से आप इसको मूव कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करिए, यहां से आप इसको मूव कर दीजिए नीचे। आल्ट प्रेस करिए एंड इसको मूव कर दीजिए, एंड फिर आप इसको मूव करिए, यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा जो A4 साइज़ पेपर था वो सारा यूटिलाइज हो गया है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 30 फ़ोटो आपकी 3.5 mm विड्थ एंड 4.5 mm की जो हाइट होती है उस पे आपको 30 फ़ोटो A4 साइज़ पे बड़े आसानी से बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से बनी है, आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको स्पेस नहीं देना है, जब आप वहाँ पे फ़ोटो हम सेट कर रहे थे, ये जैसे हमारी फ़ोटो थी, ये फ़ोटो थी, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना इमेज को जो कैनवास साइज़ था ना, बस इसी लिए लिया जाता है कि वो स्पेस क्रिएट कर देता है एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो के बीच में, तो हमें वो क्रिएट नहीं करना पड़ा है, पहले वो सेटिंग कर दिया हूँ। उसके बाद क्या करिए, अब आप ये सारा मर्ज कर दीजिए, कंट्रोल ई से आप मर्ज कर दीजिए इसको। अब आपको प्रिंट करना है, आप कंट्रोल पी प्रेस करिए,
एक तो ये तरीका हुआ, आप कंट्रोल पी से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर ऑन ऑन रहेगा एंड फ़ोटो आपकी निकल जाएगी। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल पे जाइए एंड फाइल पे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है एंड यहाँ से अभी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दो तरीका आपको प्रिंट करने का है, तो कंट्रोल पी आप प्रेस करिए तब आपका प्रिंट हो जाएगा। अब मैनुअली करना है तो आप फाइल पे जाइए, वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दो तरीका हुआ प्रिंट करने का, आप तो मैनुअली कर सकते हैं या आप कंट्रोल पी से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।